मैं हूं आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रियो एबीसी पर। आज हमारे पास है ये स्काई शॉट और ये टेप। हम क्या करेंगे कि इस टेप को इस स्काई शॉट के ऊपर पूरा कुछ इस तरह लगा देंगे और फिर देखेंगे कि ये स्काई शॉट इस टेप को तोड़ के ऊपर जाता है या फिर ये नीचे ही फट जाता है। तो अब हम हमारी इस टेप को इस स्काई शॉट के ऊपर कुछ इस तरह पूरी लगा लेते हैं और फिर देखेंगे कि ये स्काई शॉट ब्लास्ट हो पाता है या फिर नहीं। तो हमने हमारी पूरी टेप को इस स्काई शॉट के ऊपर लगा दिया है। अभी हम इसको आग लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये ब्लास्ट हो पाएगा या फिर नहीं। तो हमने हमारी स्काई शॉट के ऊपर ये टेप लगा ली है और इसको इस फ्यूज से कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको आग लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये ब्लास्ट हो पाएगा या फिर नहीं। तो आपने देखा कि हमने हमारे स्काई शॉट के ऊपर ये टेप लगाई थी और फिर उसको जलाया था। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि स्काई शॉट के जैसे ही हम आग लगाते हैं तो वो ऊपर जाके फटता है, लेकिन इस टेप के कारण वो नीचे ही फट गया और एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक और स्काई शॉट लेते हैं और उसके ऊपर इसके मुकाबले आधी टेप लगाते हैं और फिर देखते हैं कि वो स्काई शॉट ऊपर जाके फटता है या फिर इसी की तरह नीचे फट जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस टेप के रोल में से आधी टेप इस स्काई शॉट के ऊपर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये ऊपर जाके ब्लास्ट होता है या फिर नीचे ही ब्लास्ट हो जाएगा। हमने हमारे इस रोल में से इस स्काई शॉट के ऊपर आधी टेप लगा दी है। अभी हम इसको आग लगाएंगे। आपने देखा कि हमने हमारे स्काई शॉट के ऊपर आधी टेप लगाई थी और जैसे इसको आग लगाई ये कैसे ऊपर जाके फटा था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।